निवेदन करता हूं एक मोटिवेशनल और प्रेरक उद्बोधन के लिए। सम्माननीय श्री लोकेश जी भाई साहब, आप पधारे सर और अपना उद्बोधन दें, और इनके सम्मान में एक शेर पढ़ता हूं। किंचित विज्ञान का गुमान करते नहीं, किंतु समझौता किया नहीं स्वाभिमान से, श्रमिकों के सम बिंदु शीश धाम लेखनी में दर्द पीना सीखते हैं गांव के किसान से। सीमा के सशक्त सैनिकों को मैं सराहता हूं, काव्य को सजाता उनके ही गुण गान से। राष्ट्र देवता का लिए चित्र मन मंदिर में, और मनुज धर्म को मानता हूं शान से। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, माँ सरस्वती को नमन। इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि तेजा फाउंडेशन से और मेरे आदर्श मेरे पिताश्री श्रीमान यादराम चौधरी जी और उनके साथ में मेरे ताऊ जी और मेरे दूसरे उनके साथ में उनके मित्र और मेरे परिवार के आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लियर विजन जहां पर भी, ये उन सभी शिक्षकों के कारण है जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा उनका सहयोग ये था कि हर समय हर परिस्थितियों में आज उनको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मेरी साथ में इस क्लियर विजन के साथ में ऐसे ही बने रहे। सभी शिक्षक समर्पित भाव से, ये शिक्षकों की बदौलत है आज शिक्षक दिवस है। मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसी प्रकार से इस क्लियर विजन के लिए आप समर्पित रहें और बढ़िया मेहनत करें और ऊंचाइयां दें क्लियर विजन को। आप लोगों के लिए कहूंगा भाइयों, छोटे भाई बहनों, शिक्षक का पहला कलम है सहसे शिक्षक सहसे सम्मान। अगर शिक्षक का सम्मान नहीं है वो शिक्षक नहीं है। जैसे मैं क्लास में जय शिक्षक का सम्मान होगा। वास्तव में शिक्षक का अगर आप सम्मान सब करेंगे वास्तव में वो तभी आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है, तब उसका सम्मान होगा। शिक्षक का पहला सम्मान, उसके बाद में पढ़ाना और उसके बाद में पैसा, पैसे पढ़ाना फिर पैसा, चौथा काम होता है उसके लिए पैसा। आर्थिक महत्व बाद ही बाद में है, उसके पहले सम्मान है। आप सम्मान करते रहें और ज्यादा करते रहें, आपके आने वाले भाई, आपके आने वाले पीढ़ी, उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करते रहें कि शिक्षकों के सम्मान में कभी कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि शिक्षक वो ताकत है, शिक्षक वो ताकत है कि आपको फर्श से अर्श में पहुंचा दे। मैं आज शिक्षकों के सम्मान करने के बाद में स्कूल हो ची कॉलेज हो ची उसके कॉलेज के बाद में छोड़ने के बाद में शिक्षकों का सम्मान नहीं छोड़ा मैंने। मैं आज फील करता हूं, मैं आज महसूस करता हूं इस बात को कि अगर शिक्षकों का अगर सम्मान किया जाए, बड़ों का आदर किया जाए, आप बहुत बड़े ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। मेरा सबसे पहले मेरा गुरुजनों का सम्मान रहा। मुझे किसी ने ये कहा कि आप इतना क्यों सम्मान करते हो, गिल्टी फील नहीं होती आपको? मैं आज भी सम्मान करता हूँ, मेरे पांचवी क्लास का शिक्षक हो ची कॉलेज का शिक्षक हो, मैं आपको भी भाइयों बहनों साथियों मैं यही प्रेरणा दूंगा, यही कहूंगा, यही संदेश दूंगा कि आप शिक्षकों का सम्मान ना छोड़ें, आप कुछ भी बनिए। तीन चीज जरूर ध्यान रखना, सबसे पहले उत्साह और फिर धैर्य और फिर आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप प्रसन्न नहीं रहोगे कोई नाजायज फायदा उठाएगा, उदास लोग हैं आपके सहारे से कोई निकल जाएगा, नमस्कार भी नहीं करेगा,
कोई फप्पियां कसेगा आलतू फालतू पागल है बावड़ा है। अगर आप प्रसन्न रहेंगे उत्साहित रहेंगे तो आपसे हर कोई नमस्कार करेगा। मुस्कुराते रहें आप प्रसन्न सबसे पहला काम प्रसन्न रहें। दूसरा धैर्य रखें। आपकी मिशन में अगर कामयाब होना है लक्ष्य में कामयाब होना है तो आप धैर्य रखें। अगर आप लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं अगर आपने धैर्य नहीं रखा आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आपकी सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य बहुत जरूरी है सफलता का। सब कहते रहते हैं आपने भी सुना है सफलता का कोई सोर्स नहीं। धैर्य रखें उसके बाद आपको लक्ष्य की प्राप्ति सफलता प्राप्त। सफलता का एक किस्सा और कहूंगा जो मुझे यहां खड़ा कर दिया। एक तो होता है डर और एक होता है जुनून। डर अगर नहीं है वो कहते नहीं डर के आगे जीत है। डर क्यों कह रहा हूं मैं डर सबको है इस बात का कि अगर मैं ऐसा नहीं बना अगर मैं ऐसा नहीं किया अगर मैंने ऐसा नहीं किया अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे मेरे मेरे खास क्या सोचेंगे मेरे मित्र क्या सोचेंगे मेरे भाई क्या सोचेगा मेरे पिता क्या सोचेगा। जुनून इसलिए है कि सफलता अगर प्राप्त करनी है आपको तो मैं एक रास्ते से गुजरा हूं। आप गुजरना चाहते हैं क्या गुजरना चाहते हो। मैं सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक रास्ता बताता हूं। अगर आप गुजरो तो मैं भी गुजरा हूं। उस रास्ते का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है। कोई अगर जयपुर का कोई ढोटवाड़ा है या बहरोड है या कोटकोटली है या फिर और कोई सीकर झुंझुनू है कोई रास्ता कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं है। आप मानो तो किसी को आदर्श जिसको मानते हैं और जिसका आप बिल्कुल जिससे इंप्रेस होते हैं हो सकता है कोई भी हो सकता है। सफलता का एक बहुत बड़ा ऐसा है जहां से आप गुजरे रास्ता है जिससे मैं गुजरा हूं और आपके सामने मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि मैं फील किया है मैंने एहसास किया है उस चीज को कि सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको जुनून से होकर गुजरना पड़ेगा। किससे होकर गुजरना पड़ेगा जुनून से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर सफलता प्राप्त करनी है आपको तो जुनून के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता कोई रोड नहीं है कोई हाईवे नहीं है उससे गुजर जाओगे सफलता मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं मेरे जीवन में किसी न किसी एक व्यक्ति का जरूर योगदान है। आपके भी जीवन में हो सकता है अगर माने तो एहसास करे तो ढूंढे तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है। वो हो सकता है जो पॉजिटिव सोचता है जो पॉजिटिव सोचता है जिसकी नेगेटिव सोच नहीं है पॉजिटिव सोच है। आप ढूंढो उसको आप उसके साथ रहो उसकी इर्द गिर्द रहो। आपका पिता भी हो सकता है आपका भाई भी हो सकता है आपका गुरु भी हो सकता है। मेरे जीवन में दो व्यक्तियों का बहुत अहम रोल है। एक बात बताई कि मैंने डर और एक बात बता रहा हूं जुनून जिन्होंने यहां पर इस लायक बना दिया कि क्लियर विजन को आप यही ऊंचाइयां नहीं और भी ऊंचाइयां ले सकते हैं और भी आगे ले जा सकते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी ऊंचाइयां दे सकते हैं क्लियर विजन को मुझे ऐसा बनाया हुआ है जो मैं आपको बताता हूं। डर और जुनून। अब आप सोच रहे होंगे कि डर कहां से आया और जुनून कहां से आया। आपकी तरह मैं भी एक दिन यहीं बैठा था इसी तरह से बैठा था इस तरह से भक्तियां इस तरह से जो भी है जुनून ये जोश है थोड़ा उम्र के साथ चलता है कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों सबसे पहले डर इस बात का कि मेरे मैं ऐसा नहीं किया या मैंने ऐसा नहीं किया तो वो क्या सोचेगा। आपके एक व्यक्ति विशेष होता आपके जीवन में अगर आप पता करें। ये डर था मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान प्रमोद जिस डर की मैं बात कर रहा हूं वो डर यही है जिनके डर के मारे जिनके डर से भयभीत होकर मैं भटका नहीं मैं विचलित नहीं हुआ मैं भटका नहीं मैं विचलित नहीं हुआ। मैं कहीं पर भी इस तरह के गलत काम करने से पहले एक व्यक्ति से डरता हूं भगवान के बारे में वो है मेरे भाई प्रमोद।
दूसरा आपको कहा है कि मैंने जुनून कहां से लिया। आप सोच रहे होंगे मैं कहां बहरोड से गुजरूं, कौन से रास्ते से गुजरूं, या महापुरा से होकर गुजरूं, या झोटवाड़ा से होकर गुजरूं, कौन सा ऐसा रास्ता है जो जुनून पैदा करता है। मैंने ये कहा कि ना गुजर की थड़ी ना गांधीनगर। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति विशेष जो पॉजिटिव सोचता है, जो अच्छा सोचता है, जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, जो आपको बेहतरीन बता सकता है, वो दूसरा व्यक्ति है मेरे पिता से। ईश्वर समान मेरे पिताश्री, जिन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे वक्त पर बीच बीच में जब जब भी मेरा मौका पड़ा, जब जब भी उनको मेरे को समझाने का या इस तरह का मुझे मोटिवेट करने का मौका मिला, उन्होंने पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात, हरदम सकारात्मक बात करी, और उस सकारात्मकता ने मुझे यहां खड़ा कर दिया। अगर ये सकारात्मक नहीं होते मेरे पिता, अगर मुझे इस तरह की बातें नहीं करते मेरे साथ, नहीं कर पाएगा, रहने दे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, नहीं कभी नहीं करेगा। आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं, ऐसा व्यक्ति ढूंढिए। आपका पिता भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, और भी हो सकता है। इन्होंने हर दम सकारात्मक बात करी, जब जब भी मैं मिलूं, जब जब भी मैं फोन पे बात करूं, जब जब भी मैं घर गया, जब जब भी मैं स्कूल गया, जब जब भी मैं कॉलेज गया, स्वागत है अपने आपके शिक्षक हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप मेरी दो तीन चीजें मैंने पहले बताई थी, आपका प्रसन्नता, आपका उत्साह, आप धैर्य रखिए, आप सफल हो जाएंगे। दूसरा, डर और जुनून। डर भी होना चाहिए, आप मानो तो, इग्नोर करो तो कुछ नहीं, और जुनून कौन दे सकता है? आप कहां से गुजर सकते हैं, आप किसके पास से गुजर सकते हैं, किसका कहना मानते हैं, वो भी आपके जीवन में ढूंढिए। मैं कहता हूं सफल हो जाए। सफलता का रास्ता जुनून से होकर गुजरता है, मेरा रास्ता इधर से होकर गुजरता है। जो सामने बैठे, मैं उन समर्पित लोगों को फिर से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरी साथ में अच्छी तरह से मेहनत करी। गुजर की थड़ियों ची गांधीनगर मोड़, उन शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो इसी तरीके से इस क्लियर विजन के साथ में मिलकर चलें, मेहनत करें और साथ दें हर परिस्थितियों में। आर्थिक स्वार्थ के अलावा कई ऐसे चीजें थी जहां आप केवल शिक्षक को एक आर्थिक स्वार्थ होता है, उसके अलावा बहुत ऐसे काम होते हैं, उनमें आप साथ दें हर परिस्थितियों में। मैं ये बात कहता रहूंगा, हरदम कहता रहूंगा कि जब जब अपना उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जब तक इस क्लियर विजन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तब तक शिक्षक अगर कर्मठता से, अगर जुझारूपन से, अगर मेहनत से और लगन से और प्रेम से, लगाव से इस क्लियर विजन के साथ नहीं रहेंगे ना, तो कदापि संभव नहीं है एक क्लियर विजन इतना आगे पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक दिवस पर उन सभी शिक्षकों को जो आज क्लियर विजन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े रहे और हमारा साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरे छोटे सब भाई बहनों को, जो आप शांति बनाए रखें, मेरी बातों पर अमल करना। शब्द में ताकत होती है, तीर में नहीं, तीर चला जाएगा वापस आ जाएगा, सर्जरी हो जाएगी ताकि लग जाएगी। शब्द चला गया अंदर, खलबली मच जाएगी, नींद उड़ जाएगी, बेचैन हो जाओगे। तो शब्दों पर गौर करना, शब्द की बहुत अहमियत है। धन्यवाद।